हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल लॉस द यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब भी आप IRCTC की वेबसाइट पर या फिर रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप पर तत्काल टिकट बुक करने जाते हैं तो तत्काल टिकट आसानी से मिल नहीं पाता है। दोस्तों, फोन की कुछ सेटिंग आपको करना है, चुटकियों में आप तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। इससे पहले आपने ये सेटिंग्स नहीं देखी होगी तो कुछ सेटिंग्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा और कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले प्यार भरा रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को एक लाइक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, कुछ सेटिंग्स के बारे में आपको बता देता हूं और लॉगिन टाइम के बारे में भी बात करेंगे। तत्काल टिकट बुक करते टाइम आपको किस टाइम लॉगिन करना चाहिए अपना IRCTC का अकाउंट, सबसे पहले इसकी बारे में बात कर लेते हैं। IRCTC का जब आप अकाउंट लॉगिन करते हैं, अगर आप AC क्लास का बुक करते हैं तो आपको 9:58 के ऊपर लॉगिन करना होता है। आपको 10 बजे का वेट नहीं करना होता है, 2 मिनट या 1 मिनट पहले लॉगिन कर लेना होता है। और अगर स्लीपर क्लास का बुक कर रहे हैं तो फिर 10:58 या 59 मिनट पर लॉगिन कर लेना होता है, क्योंकि जैसे ही टाइम हो जाता है वैसे लॉगिन करना काफी ज्यादा परेशानी का काम हो जाता है, काफी ज्यादा लोड हो जाता है, इसकी वजह से आप जल्दी लॉगिन नहीं कर पाते हैं। ये तो हो गया लॉगिन का टाइम। और कुछ सेटिंग आपको IRCTC अकाउंट में करना होता है, जैसे आपको सबसे पहले मास्टर लिस्ट ऐड करनी होती है, यानी कि पहले से डिटेल ऐड करनी होती है पैसेंजर्स की कि आप कौन कौन से पैसेंजर के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। अगर आप सिंगल ले तो मास्टर लिस्ट सबसे पहले आपको ऐड करना पड़ेगा, IRCTC का अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद यहां पर माय अकाउंट वाले ऑप्शन पर आएंगे और माय मास्टर लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना नाम ऐड करेंगे और जो जो लोग भी ट्रेवल करना चाहते हैं तत्काल टिकट के ऊपर उनका नाम आप ऐड करेंगे इसके अंदर। यह काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो होती है, पेमेंट डिटेल आप पहले से नोट करके नहीं रखते। पेमेंट डिटेल पहले से आपको नोट करके व्हाट्सएप के ऊपर या कोई टेक्स्ट के ऊपर या कोई मैसेज के ऊपर रखनी है। UPI से पेमेंट करेंगे तो काफी ज्यादा फास्ट पेमेंट भी हो जाएगा। सबसे पहले आपको UPI ID कॉपी करके रख लेनी है। कॉपी करने के बाद आपको IRCTC के ऊपर कुछ सेटिंग करनी होगी। IRCTC की सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी फोन सेटिंग में आना पड़ेगा। फोन सेटिंग में आने के बाद सबसे नीचे की तरफ आपको ऐप वाला ऑप्शन नजर आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब इसमें आपके सामने बहुत सी ऐप आ जाएंगी जो कि आपके मोबाइल फोन में पहले से होंगी। आपको सर्च करना है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप, तो यहां पर IRCTC नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर सबसे नीचे की तरफ एक ऑप्शन नजर आएगा स्टोरेज का, यहां पर आप देख सकते हैं बहुत से ऑप्शन नजर आएंगे, आपको स्टोरेज के ऊपर क्लिक करना है। स्टोरेज की एक खास बात होती है कि फालतू का जो डेटा होता है इसके अंदर सेव हो जाता है, उसकी वजह से आपका IRCTC काफी ज्यादा स्लो चलने लगता है, तो आपको इसको क्लियर करना है, क्लीन करना है। क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक करना है, आपको नोटिफिकेशन आएगा, इसके ऊपर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका पूरा डाटा इसका क्लीन हो जाएगा, पूरा डाटा क्लीन हो जाएगा। आपको एक बार फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। ये काम आपको करना है तत्काल टिकट बुक करने से 10 मिनट या 5 मिनट पहले तक कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से लॉगिन डिटेल फिल करनी पड़ेगी IRCTC के ऊपर। फिर से लॉगिन डिटेल फिल करके आपको 10:58 या अगर AC का बुक कर रहे हैं तो 9:58 पर आपको लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, ये सेटिंग करने के बाद आपका IRCTC काफी ज्यादा फास्ट चलने लगेगा। जो प्लीज वेट वाली प्रॉब्लम आती है या फंसने वाली प्रॉब्लम आती है, पेमेंट लेट होता है या फिर IRCTC जल्दी लॉगिन नहीं होता है, काफी ज्यादा लेट होता है सब प्रोसेस, तो वो प्रोसेस से आपको छुटकारा मिल जाएगा, आप काफी ज्यादा फास्ट प्रोसेस होगा। ये सेटिंग एक बार ट्राई करके देखिएगा, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कारगर होती है कि नहीं होती है। दोस्तों, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी इंफॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।